भगवान की कथा में तो मैं शर्म काहे की लग रही गुड्डू वही बहू अमरपाल वही बहू अरे ऐसे कैसे परीक्षित महाराज तुम्हें खड़ो कर लेंगे बाली हाँ ताज बैठे रहो हम बताएं महाराज हाँ जिन्हें शर्म तीन चार कामन में ना लगते काहे में पहलो काम हो न को अगर जे रास्ता में जा रही है कहूं चांदी पे तल तसला धरो गोबर को मिल गई राम बिटोली ढकोली दी ऐसी की सहेली मिल गई ना है तो जे बतलावे में चिपटे गई तो इन्हें जई ना खबर है कि मतलब हमारे सर पे कितनो भजन हो अच्छा गप सड़ा के चालू अच्छा और दूसरो काम हो जे अगर इनके सामने इनके आदमी ने अगर बड़ाई कर दे यज्ञपति महाराज अच्छा अगर इनके सामने और इनके हस्बैंड ने बड़ाई करते ही तो जिब रही बात अगर इनको आए आए तुम भाई जाओ बद में अच्छी लगते तुम भाई जाओ भाई खाइयो जा क्यों आए जे बात और तीसरो काम जे खाती बहुत दो अच्छा जे खाती जाना है तुम सूंगत हो ना भैया हमारे सवेरे ही निकल जाते हैं आरू लेके खेत में शाम को लौट के आते हैं जे घरे रात ही मनो इसको खाएं अच्छा और पांच तो तुम खाए बे को रोकोगे मेरे ना हम ना रोकेंगे जे के हम ना रोकेंगे और महाराज बचाओ काम जे कथा भागवत में पहुंची गई तुझे चप्पलें चुरा ली थी बस बस अब हम पे मत जेना चुराती जे चुरात जालंग बैठे सो जेना चुराते इनकी कई एक की खोई गई बेचारने की जी अबन पे ही खोई गई सवेरे देखो जे तुम्हारी बात मानते हैं जे हमारी बातें मानती हैं जब भाई के देखो एक बार लगवाओ जयकारो लगवाओ के जयकारो ना खड़ो करो खड़ो नृत्य करो देखे तुम्हारे भैया तुम्हारी कितनी मानता माई भाभी हमें कितना मानती देखो हम कहेंगे किसी से नहीं अच्छा हम किसी से कहते ही नहीं अच्छा हाँ मूछ की बात है और जाके मूछे भाई की पूछे और जाके मूछना तो पूछेगा ये नहीं है खड़ी हुई अरे तुम्हारी है कहाँ अब मालूम पड़ेगी कितनी मूछ है भैया देखो तुम्हारी माता बहनों डिस्को ड्रांस करती हैं अच्छा हाँ और हमारे भैया को ड्रांस है घोड़ा पछाड़ घोड़ा पछाड़ बिने जेही ना खबर है कहाँ सुर है कहाँ ताले बिने तो जेही मतलब है नाच में तो मतलब है माता बहना देखो खड़ी हो जाओ करो कल सुबह कन्या कहाँ बैठी भैया मूछ की सवाल है परीक्षित महाराज को डर लग रहा हो तुम लोगों को परीक्षित महाराज को हम सवाल लेंगे तुम खड़ी हो जाओ हाँ ऐसे करो परीक्षित महाराज हम तुम ही खड़े हो जाओ अच्छा अरे सर धीरे धीरे